admitted in Pulse Hospital for on 10th of November for my delivery, and I'm so blessed with my baby girl. She was actually premature, and under the guidance of Dr. Snigdha Chatterjee, we got very good assistance for her. Like, she was immediately shifted to NICU, and within one day she recovered so well. Like, she is totally stable due to only the guidance and proper skillful guidance of the doctors here. So obviously this is the best part I can say. Namaskar, मैं डॉक्टर स्निग्धा चैटर्जी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी। हमारी जो पेशेंट है वो 7 months प्रेगनेंसी लेकर हमारे पास आई थी और उनका चेकअप कहीं और चल रहा था, बट उन्हें रात के 1 बजे परेशानी शुरू हुई। उनका वाटर ब्रेक कर गया और उन्हें सीवियर पेन शुरू हो गया, पेट में पेन शुरू हो गया। वो लेबर में चली गई और उनके घर के नज़दीक हमारा हॉस्पिटल है, इसलिए वो हमारे पास आई। हमारे पास रात 1 बजे जब हमारी एक्सपर्ट टीम ने उन्हें एग्जामिन किया तो हमने पाया कि वाटर ब्रेक हो गया है और वो प्री मेच्योर लेबर्स में चली गई हैं। बेबी का वेट काफ़ी कम था तो हमने पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को समझाया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, बेबी प्री मेच्योर है प्लस ऑलरेडी वाटर ब्रेक कर गया है तो कुछ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी रहेंगे। इसके बावजूद हमने उन्हें लेबर रूम में लिया, वो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस की, वो लेबर में गई और तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास उनकी डिलीवरी हुई। 7-7:30 बजे हमारा सारा स्टाफ वहाँ प्रेजेंट था और चूँकि बेबी प्री मेच्योर था, उसे सांस की कुछ तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसे इमीडिएटली NICU में ट्रांसफ़र किया गया। NICU में भी बच्चे की अच्छे तरीके से केयर की गई और बच्चा बहुत ही फास्ट, लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर ही बच्चे ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया। 3 दिन में मदर और बच्चा स्वस्थ और सेफ कंडीशन में अपने घर को चले गए। आज वो बहुत थैंकफुल हैं हमारे लिए और क्यों बोलना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनका अच्छा देखभाल कर सकें। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट द ओवरऑल फैसिलिटी ऑफ दिस हॉस्पिटल, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजिलेंस ऑफ लाइक डॉक्टर स्निग्धा चैटर्जी। अंडर हर गाइडेंस एंड हर पोलाइट बिहेवियर, she was very dedicated with all her proper guidance throughout this journey. Clearly, I would like to appreciate and be very thankful to all the nursing staff, housekeeping staff for taking best care of mine throughout the day. Also, I was admitted in a very emergency situation at midnight itself, and I can see the activeness of all these members in the midnight was really helpful for me for handling my overall situation. Today I am getting discharged from here, and I can say the overall feedback for the team, all the working team, IT, hospitality, everything is very proper and well organized. So I would recommend you also, all people who are suffering, or for better hospitality and skillful, dedicated doctors, you can visit us. Thank you so much. Thank you.